तो नाजीन आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऐसी कौमें जो पहले एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन अब उनका नामो निशान नहीं है। तो नाजीन पाँचवें नंबर पर है द मैसिनियन सिविलाइजेशन। नाजीन मैसिनियन तहजीब 1100 से लेकर 1600 ईस्वी सदी तक ग्रीस में वाकया थी। कदीम ज़माने के बरक्स मैसिनियन तहजीब के लोगों की सल्तनत तकरीबन यूनान में तमाम जगह फैली हुई थी, जहाँ ना सिर्फ उनकी तजारत थी बल्कि फतह के जरिए भी मौजूद थे। नाजिन 1100 सदी से कबल मैसिनियन तहजीब के पास 5 सदियों का गालिबी इकतदार का तजर्बा था। कई यूनानी लोगों का मानना है कि अफसानवी बादशाह ने टोर्जन जंग के दौरान सबसे पहले इस तहजीब का मरकज रखा। नाजिन मैसिनियन तहजीब रखने वाले लोग न सिर्फ सकाफती बल्कि इकतसादी तौर पर अमीर थे, लेकिन वो लोग अपने दौर के बहुत से नमूने छोड़कर चले गए और अब तक यही वाजे नहीं हुआ कि मैसिनियन तहजीब लापता कैसे हुई। शायद जलजलों, हमलों या किसी बगावत की वजह से इसका खात्मा हो गया। नाजिन चौथे नंबर पर है ओलमेक सिविलाइजेशन। नाजिन ओलमेक तहजीब 1400 ईस्वी में मेक्सिको में वाकई थी। ओलमेक्स ने प्री कोलंबिया की फतह के लिए यह तहजीब रखी। नाजिन इस तहजीब के निशानात सिर्फ 1400 ईस्वी में ही देखे गए। सैन लोरेंजो के शहर में टेक्नोचिटलैन और पेट्रोनियोवो ओलमेक्स के 3 अहम मरकज में से एक हैं। नाजिन ओलमेक्स एक मास्टर बिल्डर थे। एक दफ़ा इस साइट्स पर इनकी यादगारों में से एक बड़े सर वाले पत्थर को देखा गया। नाजिन तमाम मैसो अमेरिकन सकाफतों के बाद इस तहजीब की बुनियाद डालेगी। माना जाता है कि ओलमेक्स ने सबसे पहले निज़ाम तैयार किया और ये भी माना जाता है कि उन्होंने कैंपस और मैसो अमेरिकन कैलेंडर ईजाद किया और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ज़ीरो नंबर का तस्वर पेश किया। नाजिन इस तहजीब के लोग खून खराबा करते, इंसानों की कुर्बानी करते। इस तहजीब को 19वीं सदी तक मोरखीन की तरफ से दरियाफ्त नहीं किया गया। नाजिन ये तहजीब रखने वाले लोगों की कमी का कोई नहीं बता सकता कि कैसे हुई। अलबत्त ये कहा जा सकता है कि उस दौर में आबो हवा की तब्दीली जो वोल्केनिक करप्शन की वजह से हुई या फिर जलजले या नुकसानदेह ज़राए तरीक़ों से इनका खात्मा हुआ। नाजिन तीसरे नंबर पर है द नबातियंस। नाजिन नबातियन तहजीब 6वीं सदी में साउथ जॉर्डन, खिताई कैनन और शुमाली अरब में वाक़ थी। नाजिन सभी लोगों ने पेट्रा में जॉर्डन पहाड़ों की चट्टानों में खुदाई करके एक हैरतअंगेज शहर बनाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुली जगह यानी सहरा में डैम्स, नहरें और रोज़मर्रा के ज़राए का मौजूद होना ज़रूरी समझा। नाजिन उनकी जियोग्राफिकल पोजिशन बताती है कि उन्होंने हाथी के दांतों का कारोबार किया और इसके साथ साथ सिल्क, स्पाइसेस, मेटल, मेडिसिन और परफ्यूम का भी कारोबार शुरू किया। नाजिन चौथी सदी के दौरान नेबटीस ने पेट्रा को छोड़ दिया और ये कोई नहीं जानता कि क्यों छोड़ा। नाजिन दूसरे नंबर पर है द एम्पायर ऑफ एक्सम। नाजिन एक्सम सल्तनत पहली सदी में बनी, जो अब एथोपिया के नाम से जानी जाती है। नाजिन ये शिबा रानी की जाय पैदाइश है और ये एक ऐसे मजहब से ताल्लुक़ रखती थी। नाजिन एक्सम एक अहम तजारती मरकज था जो आइवरी ज़रात और सोना रोमी सल्तनत और इंडिया को बरामद करता था। नाजिन ये अमीर तरीन सोसाइटी थी और पहला अफ्रीका कल्चर था। नाजिन जिसने अपनी करेंसी बनाई अपनी ताकत को दिखाने के लिए। नाजिन ये लोग सूरज की पूजा करते थे और इनका मजहब मसीह था। कुछ ज़राए कहते हैं कि एक यहूदी मलका जिसका नाम यहूदित था, जिसने एक्सम सल्तनत का खात्मा कर दिया और इसके मंदिर और किताबों को भी जला दिया। नाजिन ये दुनिया की दूसरी बड़ी तहजीब है जो हवाओं में ही गुल हो गई।